जो भी पाकिस्तान बैठा हुआ है, इंडिया बैठा हुआ है, जो यूके आना चाह रहा है, जाना चाहता है, मेरा तो सबको यही मशवरा है। सर आप क्लास में सो भी रहे हो ना, टीचर ने आपको कुछ नहीं कहना, आप क्लास से उठ के चले गए हो फिर भी उसने कुछ नहीं कहना। हमारे हमारे चांद भाई जिनको थोड़ा थोड़ा ग्रहण लगा हुआ है। हेलो जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज आपके भाई को तकरीबन कोई 10 से 12 दिन हो गए हैं यूके में, तो आज सीन ये है कि आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इस 10 से 12 दिन में हमने क्या सीखा है और आपको मैं क्या मशवरा दूंगा। और अब सीन ये है बॉयज कि आज ट्यूसडे भी है और आज हमारी क्लास भी है यूनिवर्सिटी, तो हमने क्लास भी लेने जाना है। 1 से 3 क्लास है और इस टाइम तकरीबन 10:15 का टाइम हो रहा है, तो सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं और फिर वहीं पर बातचीत होगी और साथ आज कपड़े भी धोने हैं तो वो भी आपको साथ लेके चलते हैं। आज वो चले बॉयज, इधर कपड़े सुखाने का आपको तरीका बता देता हूँ, क्योंकि आप बाहर देख लो धूप तो निकली नहीं हुई, तो जब धूप नहीं है तो कपड़े सूखेंगे कैसे, तो ये आपको दिखाता हूँ। सीन ये है, ये अब जैसे कपड़े है ना, ये ट्राउज़र है, इस ट्राउज़र को हम क्या करेंगे, इस ट्राउज़र को हम इस तरह ठप के इस तरह करेंगे, और ये जो है ना हीटिंग चल रही है यहाँ मेरा अच्छा खासा, ये जो कमरे को गर्म करता है ना ये जगह, इसके ऊपर इस तरह कपड़े को रख दो तो कपड़े सूख जाएंगे, सिंपल। ये कपड़े मेरे नहीं है, ये किसी और के हैं, ये हम रख दें फिर अपने कपड़े धोने के लिए मशीन में डालते हैं। कपड़े डाल दिए, ये अब अपने कपड़े जाके इन्हें धोते हैं। चलो दरवाज़ा खुल जा भाई, करने लगे हो भाजी, जल्दी पकाओ तो चूल्हा वेला करो, चूल्हा जल्दी वेला करो। चलो भाई कपड़े चले गए, रखो इतने, रखो लिक्विड नहीं है, लिक्विड 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 रहा ये लिक्विड डिटर्जेंट। ये पहले जी डालने खाने जी, दूसरे तीसरे अंदर है, तीसरे पिछले पिछले पहला है यार, हां एक और पर बहुत है, थोड़े से कपड़े हैं कितने है, मेरे को दो दो चार ही हैं, बहुत है कपड़े, तो दिक्कत भी बहुत है। अब इसको इस तरह बंद करेंगे और इसको स्टार्ट करना है, इसको स्टार्ट कैसे करना है, पानी शानी इसने खुद ही लेना अंदर से, भाजी सही है, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਰਹਿਵੇਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਲੌਗ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈਏ ਕਿ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਲ ਫੋੜ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲ ਕਰੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵੇਖੀ ਸੀ ਗੋਲ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੱਟ ਪੀਸ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, मसला ये है हमारे पास मक्खन खत्म है तो हम ऑयल चला रहे हैं। शर्त लग गई नहीं, कि नहीं 500 पाउंड करके ना करनी फिर है? 500 मेरे को ले ली, 500 ही कोनी ऐसे में, नहीं नहीं होने की गल नहीं मेरा भाजी, हमारे चांद भाई जिनको थोड़ा थोड़ा ग्रहण लगा हुआ है। क्या हाल है भाई, ਪਾਜੀ ਸਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਲ ਪਕਾਈ ਸੂ, ਅਗਲੀ ਰੋਟੀ ਆਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਾਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਂਦੇ ਪਾਣੇ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਮਕਾ ਛੜੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਦੇਖਣ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਛੰਨਣ ਲਗਾ ਸੀ ਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅੰਜਨ ਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ
चांद आप क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे? मैं सोच रहा हूँ सिक्योरिटी का बैच बनाए या क्या करें। सिक्योरिटी का बैच बनाते हैं, काम करते हैं मिलके सारे। अपना ना स्टोर स्टोर वाला कोई काम नहीं, सिक्योरिटी वाला काम शुरू करने हैं। भाजी रोटी पक गई है और सालन वास्ते प्लेट भी थे वे यही प्लेट ले ले सालन वास्ते। ओ यार एक बड़ी है पीछे हो यार सालन भाई पीछे हो जो चांद सैन पीछे हो जो हमारे पास रात की है भाई जो भी। ओ चाव बल्दी भाई चांद ध्यान कर गोभी में आपको हल्का हल्का क्यों नजर आ रहा है दसी मेरा वे कितना बड़ा है बड़ा ओ चाचू बहुत है यस यस पाई लिए फिर ना हेलो उबाल लीजिए चा चांद भाई ने चाय उबाल ली है। चांद भाई का ध्यान मोबाइल पे रहा है भाई साढ़े कपड़े भी नेड़े लग गए ने काम तुप तुप गया है सब कुछ पाप हो गया जैसे लिक्विड गया सी वो खत्म हो गया भाई रोटी छोटी खा ली है उन वह की लिखा है कांदे फिशां कंदे फिशां कंदे फिशां है हलवियात भाई जी कल आया पाकिस्तान से एक भाई हमारे क्या नाम है उनका चांद यासिन ब्रदर लेके आए मिठाई वहाँ से स्पेशल वाली और साथ चाय खाना नाश्ता कर चुके हैं और अब इसके बाद तैयार हो यूनिवर्सिटी जाना है। चलो भाई कपड़े धुल गए रे को धुल गए रे चलो भाई आजो भैया आजो 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 बैंडी। हाँ जी बॉयज नाश्ता नुश्ता कर लिया है। अब सीन ये है कि यूनिवर्सिटी जाना है 12 बजे निकले हैं और 1 बजे पहुँचेंगे हम वहाँ पे। 2 घंटे क्लास है फिर लेके वापस आएंगे और आज आके एक और काम है कि आज आके CV बना के ना अप्लाई करना है जॉब के लिए यहाँ पे ना गिट। और दूसरा सीन ये है कि यार मुझे तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए यहाँ पे आके, अच्छा एक्सपीरियंस है सब A1 है। और मेरा जो भी पाकिस्तान बैठा हुआ इंडिया बैठा हुआ है जो यूके आना चाह रहा है जाना चाहता है मेरा तो सबको यही मशवरा है कि एक दफ़ा घर से निकलो यूके पहुंचो। यूके के हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने वहाँ बैठ के बताए जाते हैं। हाँ ठीक है मुश्किल है, अब जब भी घर से बाहर निकलोगे आपको मुश्किल फ़ेस करनी पड़ेंगी, मुश्किल तो हर लिहाज से फ़ेस करनी पड़ती हैं आपको। जहर सी बात है वहाँ पे बैठ जब आप होते हो तो आप उठ के पानी भी पीना हम जैसे लड़कों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे आके आपको इवन अपने कपड़े धोना खाना बनाना काम भी करना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है और लोकल सफ़र करना है बस पे। उधर तो भाई बाइकों की हमारी बाइक पे निकल गए, यहाँ पे वो कुछ नहीं होता। और मेरा पेरेंट्स देख रहे हैं व्लॉग उनको भी यही मशवरा है कि अगर आपको ये लगता है कि हम बच्चे को बाहर भेज देंगे वो ख़राब हो जाएगा तो ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चा उल्टा तीर की तरह सीधा हो जाएगा अगर बाहर आ जाएगा। तो बाहर निकलो घर से यूके पहुँचो, यहाँ से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। पाकिस्तान में बैठ के अपॉर्चुनिटी का मिलना या इंडिया या नेपाल बांग्लादेश किसी मुल्क में बैठ के अपना अपॉर्चुनिटी का वेट करना वो गलत बात है। अगर मौका है मिल रहा है तो निकलो घर से बाहर। बाकी अब यही सीन है कि यूनिवर्सिटी चलें, एक ही क्लास है टाइम को नहीं, तो इसी तरह ट्राउजर शर्ट में ऊपर जैकेट पहनते हैं और निकलने वाली करते हैं। तो लेट्स गो, बाहर बारिश हुई है सुबह बस निकले हैं चार्जर और बैग में डाल लेते हैं पावर बैंक क्योंकि चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी, चार्जिंग काम है मोबाइल की। तो बस निकले बस यहाँ पे करके हमारा घर है और यहीं पे सामने है स्टॉप बस स्टॉप जहाँ से हमने बस बदलनी है। एक पहले पकड़नी है 7 नंबर और 7 नंबर के बाद हमने पकड़नी है 45 नंबर जाके आगे से। तो 45 मिनट में हम यूनिवर्सिटी बस, अब बस का वेट है 2 मिनट में आ रही है और सारा मैप पर रिकॉर्ड होता है। पहली अपनी बस आ चुकी है, अगले स्टॉप तक जाते हुए जहाँ से जो मर्जी बस पकड़ लो, हमने 7 पकड़ी थी हम 16 पकड़ लेंगे। हाँ जी
बस के देख लो इतने भी देसी बैठा से उन्हें किन्नू खा दे कोई बंदा इधर किन्नू खा के गया भाई। और ये इल्म स्टॉप आ गया और हमने इसे नेक्स्ट वाला स्टॉप है ना लीक स्ट्रीट वाला स्टॉप उस पर उतरना है। तो अब बस इधर उतरने का तरीका ये हमने घंटी बिता देनी है भाई। हम लीक स्ट्रीट वाले स्टॉप पे तो आ गए हैं अब बस हमने जाना है अगले वाले स्टॉप पे वेट करना है बस का 45 वाली का। आज ऐसी बस से बह गए हैं 45 नंबर से और आप हमें ट्रैक ले जाएगी यूनिवर्सिटी विद इन 30 to 35 मिनट्स। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बस पे सफ़र करना फ्री है, फ्री नहीं है भाई साहब। यहाँ पे या पास देख रहे हैं मेरा, ये पास है और ये पास स्टूडेंट बनने का बनता है 56 पाउंड्स में और ये दूसरा है उसका 66 में। तो ये पास बन जाओ फिर आप पूरा महीना बस पे ट्रैम पे यहाँ पे जितना मर्जी सफर करो फ्री है। तो आप बस यूनिवर्सिटी चलते हैं और वहाँ से जल्दी फ्री होके आते हैं क्योंकि आज ना जॉब शॉप के लिए भी अप्लाई शप्लाई करना है, काम शुरू करना है। तो भाई यूनिवर्सिटी तो पहुँच गए हैं लेकिन बारिश शुरू हो चुकी हुई है इस टाइम और भीगने का निज़ाम शुरू हो चुका है। बॉयज कालों का इधर कोई अपना फंक्शन है आज, बोल भाई यशी क्या है। ये ना कोई नाइजेरिया और अफ्रीका वाले जो लोग हैं ना उनका पता नहीं आज कोई फंक्शन वगैरह इवेंट वगैरह तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सारा शुगर मेला उन्होंने लगाया हुआ है। इधर अजीब निज़ाम है भाई। ये नीचे बॉयज उनका कोई फंक्शन चल रहा है। ये झंडे देख रहे हो, ये झंडे है ना उनके अफ्रीका शमरीका गई हैं लेकिन हम चले बॉयज अपनी क्लास लेने। हमारी क्लास है 303 में 301303 सर पे हमारी क्लास है, हम क्लास में चलें। हमारा क्या लेना देना इन चीज़ों से, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ेंगे और अपना काम करेंगे। आपस की बात है, रोटी छोटी चल रही है नीचे। मसला ये है हलाल आराम का, वरना जाके रोटी खा लेते। हलाल सिर्फ तो चावल ही होने हैं उबले, बाकी सब कुछ आराम होना है। बॉयज़ क्लास श्लास ले ली है और सीन ये है कि यूनिवर्सिटी काम था सर से मिलना था और मेरे कोई ऐप का मसला था टाइम टेबल का, वो भी हो गया। बस यहाँ बॉयज़ सीन ये है क्लास में कि क्लास में आपने पढ़ना अपने बलबोते पर ही है, ठीक है। अगर आप क्लास में सो भी रहे हो ना टीचर ने आपको कुछ नहीं कहना, आप क्लास से उठ के चले गए हो फिर भी उसने कुछ नहीं कहना। यहाँ पे अटेंडेंस भी ऑनलाइन ऐप के थ्रू हो जाती है तो अगर आप घर भी बैठे हो तो अटेंडेंस हो जानी है। तो अगर आपने पढ़ना है तो आपने अपने लिए पढ़ना है, यहाँ पे आपको किसी ने कहना नहीं है कि पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे ये सीन है तो क्लास ले ली है अब बस चलें घर। वो मेरा एक असाइनमेंट का मसला है क्योंकि मैं जब आया हूँ तो वो असाइनमेंट गुजर चुकी हुई है उसकी डेडलाइन, तो वो सर से बात की है उन्होंने कहा एक्सटेंशन वगैरह दे दें तो बाकी पर जो होता है देखते हैं। बस पकड़ते हैं हम घर निकलते हैं, टाइम थोड़ा है। खाना शाना खाते हैं हम घर आ गए, हल्का फुल्का चावल बॉयल पड़े हुए थे ऊपर सालन डाल दिया है, इसको गर्म करते हैं और तो ये खाते हैं। इधर चाय भी बन रही है भाई, चाय क्या यार पेट पूजा करते हैं, पेट पूजा चाव जो कि बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में। भाजी आ जाओ जल्दी आ जाओ, चावल नहीं बचने जे। आजा 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 मेरे वीर आजा। हेलो नमान भाई आना जी, ते आजो ना जी ना काका, पक्की गल है, पक्की गल है। बॉयज अब टाइम है आपसे इजाजत लेने का क्योंकि सीन ये है कि सारे दोस्त वगैरह काम शाम पे चले गए, मैंने अपना अपनी सीवी वगैरह बना के ना अप्लाई वगैरह करना जॉब के लिए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए वेले रहते हुए। तो अब यह है कि जॉब शॉप करें कोई तो उसके लिए अप्लाई वगैरह करते हैं, डीट पे प्रोफाइल बनाते हैं। तो बाकी बस यही सीन है, ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी तो इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए भाई का चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहें। और जब तक नया व्लॉग आता है तब तक दीजिए भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।